नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाली शराफ, टेक जंक्शन में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेरे नए सीशन बेड का, जिसे मैंने अमेजोन से मंगाया था। आज इसके क्वालिटी के बारे में बात करेंगे और ये क्या ये बेड प्योर शीशम वुड का है, क्या इसे आपको परचेस करना चाहिए, अगर करते हो तो आप इजीली इसे DIY इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं, और भी बहुत से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है सभी बेड के आइटम्स, जिसे मैंने यहाँ पहले से अनबॉक्स करके रखा हुआ है। एक्चुअली बात ये हो गई थी, ये पूरा पैक होके एक बड़े से बॉक्स में आ गया था और मेरे फ्लोर, मतलब मेरा जो फ्लैट है वो थर्ड फ्लोर में था, तो मैं इसे लिफ्ट से नहीं ला पाया, इसलिए मुझे वहीं अनबॉक्स करके एक एक पीस लेके आना पड़ा। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, इसमें आपको यहाँ हेड रेस्ट मिल जाता है, दो प्लाईवुड्स जिसे आप नीचे सपोर्ट के लिए रखोगे। ये एक बेड पूरा बॉक्स के साथ आता है, बॉक्स स्टोरेज बॉक्स के साथ। तो इसके लिए आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ 4 प्लाईवुड्स मिलेंगे, 7 mm का नीचे की रेस्ट सपोर्ट के लिए और 9.75 mm का ऊपर का प्लाईवुड आ जाएगा। साथ में अगर आप यहाँ देखोगे तो बीच में कुछ कॉलम सपोर्ट्स भी आपको देखने मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये दो साइड बोर्ड्स है, जिसे मैंने एक को अनबॉक्स अभी तक, मतलब अनपैक नहीं किया है, और इस पे कुछ नंबरिंग सिक्वेंस लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक आपको टूल बॉक्स मिल जाता है, इसमें आपको एक स्पैनर मिल जाता है और कुछ बोल्ट्स मिलेंगे जिसे हम थोड़ी देर में ओपन करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको 4 वुडन पीसेस मिलेंगे, जिसको हम ऊपर के साइड सपोर्ट के लिए लगाएंगे। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये कुछ नंबरिंग करके फिर से ये है अपना लेग बोर्ड, जो बेड के लेग के साइड आता है, और ये है बाकी के दो प्लाईवुड्स। सॉरी दोस्तों, ये एक्चुअली प्लाईवुड नहीं है, ये एक MDF का शीट है। जैसे कि पहले बोला था, नीचे का स्टोरेज के लिए 7 mm का दिया हुआ है, वैसे ही ऊपर का जिस पे हम अपना बेड रखेंगे उसको 9.75 mm थिकनेस का दिया हुआ है। इसका पूरा ड्यूरेबिलिटी चेक भी करेंगे, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये बेड मैंने वैसे अमेजोन से मंगाया था, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने और भी कुछ शॉर्ट लिस्ट करके रखे हुए थे बेड शीशम के, उसे भी आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक में देख सकते हो, और आपको उनमें से कोई पसंद आता है तो आप चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो। चलिए मैं जल्दी से इसे एक एक करके इसका पैकिंग खोल लेता हूँ। तो जैसे कि आप ये देखोगे, एक साइड बोर्ड है या साइड सपोर्ट कह लीजिए। ये शीशम का बेड होने के कारण इसमें आपको टेक्सचर्स है, वुड के टेक्सचर्स काफ़ी अच्छे दिख जाते हैं, और ये हनी फिनिश के साथ मैंने मंगाया था। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एकदम काफ़ी पॉलिशिंग भी बहुत ही अच्छा है, एकदम स्मूथ है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पूरा वुडन का टेक्सचर पूरा क्लियर डिटेल में आपको दिखेगा, पॉलिश एकदम शाइनिंग है, तो ये काफ़ी अच्छा फील या काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा बेडरूम में आपके। तो ये है इसका हेडबोर्ड, ये प्योर शीशम वुड का है दोस्तों, इसलिए आपको इसमें वुड के टेक्सचर सबको क्लियरली दिख जाते हैं। अगर आप बोर्ड का थिकनेस के बारे में बात करोगे तो ये बोर्ड जो शीशम वुड का थिकनेस है वो लगभग 1.5 इंच के आसपास है। तो ये है इसका हेडबोर्ड, और यहाँ आप अगर देखोगे तो ये दोनों साइड के सपोर्ट्स है। तो चलिए अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने अपने इस हेडबोर्ड को अलाइन करके रखा हुआ है दोनों साइड बोर्ड्स के साथ। यहाँ नंबरिंग भी दिया हुआ है, तो आप इसे नंबरिंग के हिसाब से मैच कर सकते हो। और इसे जॉइंट करने के लिए आपको मेन हेडबोर्ड पे स्लॉट्स दिए हुए है, और इसी प्रकार का एक की काइंड ऑफ फीचर इस पे साइड बोर्ड्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको यहाँ एल प्लेट्स मिल जाता है नीचे के साइड मोटे बोल्ट के लिए सिंगल होल वाला, और वही ऊपर के साइड दो बोल्ट वाले छोटे साइज के। अगर आप हेडबोर्ड में देखोगे तो यहाँ ये पूरा नीचे का जो मटेरियल है या जो अपना स्टोरेज कंपार्टमेंट में जाएगा, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ MDF का सपोर्ट दिया हुआ है या MDF का बैकिंग दिया हुआ है, इसमें कोई शीशम का वुड नहीं है। आप यहाँ डिफरेंस देख पा रहे हो ऊपर के साइड और नीचे के साइड वुड पे। वैसे ही अगर आप इस साइड के साइड सपोर्ट को देखोगे तो फिर से वही है, एल प्लेट्स दिए हुए है टाइटनिंग के लिए या फास्टनिंग के लिए, और नंबरिंग भी दिया हुआ है, तो उस नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ इसे सेट करके रखा हुआ है। ये वुड जरा हैवी है शीशम के होने के कारण, हालांकि ये तो ज़्यादा थिकनेस भी नहीं है, फिर भी लगता है हैवी है। आप इसे अकेले इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, आपको एक या दो हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होगी। तो चलिए मैं इसे अभी लेग का जो है उसे भी
जल्दी से अनपैक करके साइड से एडजस्ट करके रखता हूँ। और ये कुछ फास्टनिंग एलिमेंट्स इसके साथ आए हुए हैं, दो छोटे स्क्रू, 8 मीडियम्स वाले बोल्ट आए हुए हैं और ऊपर से 4 बड़े वाले बोल्ट जो नीचे के साइड सिंगल बोल्ट लगेंगे। और साथ में आपको इन दोनों बोल्ट के हेड साइज के हिसाब से एक स्पानर भी दिया हुआ है। ये बोल्ट्स ब्लैकोडाइज्ड है, इससे क्या होगा, ये बोल्ट्स जल्दी रस्ट नहीं होंगे तो काफ़ी ड्यूरेबल हो जाएंगे ये बोल्ट और जॉइंट का कनेक्शंस। तो देखिए, अभी मैंने दोनों साइड्स को लेग और हेड के साथ टाइट कर लिया है बोल्ट की मदद से। हालांकि मैं उसे पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जबकि अकेले से ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कैसे करके टाइटनिंग तो कर दिया है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, एक बात मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, तो ये जो साइड बोर्ड है ये ज़रा आपको बेंड दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में बेंड है। तो मुझे ज़रा सा टेंशन हो रहा है अभी इसमें जो ऊपर वाले जो फ्रेम्स होंगे वो बैठेंगे या नहीं। अगर वो बैठते हैं तो ही अपने ऊपर का प्लाईवुड या MDF बोर्ड बैठेगा, वरना ये MDF बोर्ड बैठेगा नहीं, क्योंकि इसका ओवरऑल विड्थ जो है ये बेंड होने के कारण ये एरिया पे कम हो जाएगा। तो देखेंगे इसे आगे, फिलहाल मैं इसे आगे इंस्टॉलेशन चालू कर दूँगा। वैसे वही अगर आप इस साइड वाला बोर्ड पर देखोगे, साइड बोर्ड पर, तो इसमें ज़्यादा बेंड नहीं है, तो ये मुझे ज़्यादा इशू नहीं लग रहा। लेकिन राइट साइड का जो बोर्ड था या साइड सपोर्ट था वो काफ़ी बेंड है। तो देखते हैं इसे आगे एक एक करके इंस्टॉल करके। तो अभी यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ मैंने एक क्रॉस मेंबर जो इसके साथ आया था वो यहाँ लगा दिया है। ये मुझे डाउट है ये प्योर शीशम वुड का नहीं है, लेकिन वैसे ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है अपने स्टोरेज कंपार्टमेंट के प्लाईवुड्स के लिए। और इसको आपको नीचे के साइड में 2 सपोर्ट्स दिए हुए हैं, तो एक अच्छा काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। सेम वैसे ही इसके साथ आपको दूसरा क्रॉस मेंबर का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये दोनों इधर साइड सपोर्ट्स के इसमें ग्रूव्स है, तो उसमें आप आसानी से फिट कर सकते हो। उसके बाद में मैंने यहाँ अपना 7mm का जो MDF बोर्ड है वो रख दिया है। इसको इंस्टॉल करते वक्त ज़रा ध्यान से, कहीं हाथ पिंच होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ एक कटआउट है जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे, यहाँ एक फिर से एक सपोर्ट आ जाएगा। वैसे ही मैंने यहाँ अपना दूसरा MDF बोर्ड भी रख दिया है, और ये देखोगे बीच वाला स्लॉट जो है एकदम रेक्टेंगुलर कटा हुआ एक शेप में है, तो इसमें जो अपना सपोर्ट के लिए जो वुडन पार्ट है वो भी इजीली चले जाएगा। तो चलिए, अभी ये जो लेंथियर क्रॉस सपोर्ट है, तो इसे मैंने यहाँ दोनों के जो ग्रू दिया हुआ था हेड और लेग में, तो वहाँ दोनों के इसमें बीच में इंसर्ट करके प्लेस किया हुआ है। यहाँ एक आपको शायद कारपेंटर की या ज़रा ड्रिलिंग मशीन का सपोर्ट लग सकता है, क्योंकि अगर आपको ये बीच वाला जो वुडन पोर्ड है या वुडन पार्ट है इसे इंस्टॉल करना है, तो आपको मार्किंग करके ड्रिल करके लेना होगा। वैसे मैंने यहाँ हल्का सा ड्रिल मार के वो जो स्क्रू था वो स्क्रू टाइट कर दिया है मार्किंग करके। वो मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया ड्रिलिंग का, उसमें कुछ ज़्यादा दिखाने लायक कुछ है नहीं। वैसे मैंने इस पे अभी 4 जो सपोर्ट्स मिले थे, जो मेन कॉलम या मेन सपोर्ट था उसके दोनों के बीच के ग्रू में डाल के साइड सपोर्ट्स के साथ असेंबल कर दिया है। यहाँ मुझे जो टेंशन था वो काफ़ी हद तक अभी मैं फ़िलहाल रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बेंड हुआ था साइड बोर्ड ये अभी मुझे हल्का स्ट्रेट, मतलब ये जब से मैंने इसे ज़रा इंस्टॉल किया है, ज़रा मैंने इसको पुल करके इंस्टॉल किया था और जो साइड सपोर्ट्स थे तो हो गया है। ये अभी इसके ऊपर प्लाईवुड्स भी आप अगर देखोगे तो इसके ऊपर ये जो MDF पोर्ट्स है वो भी एकदम इजीली बैठे हुए हैं, साइड्स में कुछ गैप्स बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे यहाँ बीच में आपको हल्का सा गैप ज़रूर दिखेगा, एक 10 mm तक का, लेकिन वो ठीक है क्योंकि उसके नीचे ही अपना जो क्रॉस मेंबर था वो है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी अगर आप अपने पूरे बेड को देखोगे तो एक अच्छा लुक है इस बेड का, और शीशम का होने के कारण और जो पॉलिश किया हुआ है तो एकदम प्रीमियम सा फील देता है। अगर आप सादा MDF या प्लाईवुड के बेड देखोगे तो उसे कंपेयर करने से मैं तो बोलता हूँ ये जो जिस प्राइस रेंज पे मिला है मुझे अमेजोन से वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस है। अगर आप MDF का बेड भी अगर विद स्टोरेज अगर बाहर से लेते हो आपको 16-18 तक का मिल जाता है। वैसे ये अगर 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा अगर आप डालते हो तो आपको प्योर शीशम वुड का बेड मिल जाएगा। ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है, इसके बारे में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ
डिफेक्ट्स आने के चांसेस ना के बराबर है। तो ये मैंने वैसे इंस्टॉल कर लिया है, आप देख सकते हो बेड को। ये अपना बॉक्स कंपार्टमेंट, ये यहाँ से यहाँ एक होल दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इसे MDF बोर्ड को लिफ्ट कर सकते हो और नीचे को स्टोरेज रख सकते हो। तो चलिए अभी इसका ड्यूरेबिलिटी चेक भी कर लेते हैं। हालांकि ये तो MDF बोर्ड जो है वो 9.75 mm का है ना, मुझे थिकनेस का डाउट ही लग रहा था, लेकिन ये मेरा वेट जो लगभग 65 kg तक का है वो तो आसानी से झेल ले रहा है। जब हम इसके ऊपर बेड डालेंगे तो वो जो लोड है अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो मैं इसके ऊपर हल्का सा लाइट वेट जंप कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ, इससे कुछ मुझे तो दिक्कत नहीं फील हो रही है। तो दोस्तों अगर आप बात करते हैं अगर आपको ये बेड लेना चाहिए या नहीं, आप इस बेड को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एक अच्छा लकड़ी का या शीशम का बेड अगर आपके नए घर के लिए आप सोच रहे हो तो आप इस बेड को ज़रूर कंसीडर करना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।